गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक इन आवर टुडेज EBS क्लास। आवर टुडेज EBS क्लास इज अबाउट स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मून एंड आवर प्लैनेट अर्थ। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टार्स। आप लोगों ने सब ने देखा होगा स्टार्स, है ना। स्टार्स मतलब क्या? तारे। यस, स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारे। तो आप सब ने आकाश में तारे देखे होंगे, है ना, रात में। तो देखो, आपको ये पिक्चर में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना। दिस ऑल आर द स्टार्स। ये सब क्या है? स्टार्स है। अब थोड़ा देख लेते कि स्टार्स क्या है। तो स्टार्स एक ह्यूज हेवनली बॉडीज है जो गैसेस से बने हैं। किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। कई स्टार्स सन से बहुत छोटे होते हैं, तो कई स्टार्स सन से हजार गुने बड़े होते हैं। और आप क्या स्टार्स कभी गिन सकते हो? नहीं। कभी आपने स्टार्स को गिना है कि आकाश में कितने तारे हैं? नहीं, आप कभी गिन नहीं सकते हो। मतलब वो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल है। स्टार्स के पास उसकी खुद की लाइट है। वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर है, बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और वो बहुत हमें हीट और लाइट देता है। उसकी साइज़ अलग अलग होती है, हर एक स्टार का टेम्परेचर अलग अलग होता है और हर एक स्टार का कलर भी अलग होता है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। Stars are huge heavenly bodies made up of hot fiery gases. Some stars are smaller than the sun. Others are more than 1,000 times larger. There are countless stars in the sky. They have their own light. As they are very far from the earth, they seem twinkling. They are constantly glowing like the sun. They produce enormous amount of heat and light. They vary in size, temperature and color. Now we will discuss about constellations. अब constellations मतलब क्या? जो stars होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न बनाते हैं स्काई के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। तो ये जो ग्रुप पैटर्न्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। हमारे नाइट स्काई में 88 जितने कॉन्स्टिलेशंस हमें दिखाई दे सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है इसमें आपको कई सारे अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब क्या है? ये सारे कॉन्स्टिलेशंस है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। सम स्टार्स टुगेदर फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इन द स्काई। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। देर आर अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशंस विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द नाइट स्काई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EBS class. Our today's EBS class is about stars and constellations. We have already discussed about moon and our planet Earth. So in today's lecture we are going to discuss about stars. आप लोगों ने सब ने देखा होगा stars, है ना। stars मतलब क्या? तारे। yes, stars का मतलब क्या होता है? तारे। तो आप सब ने आकाश में तारे देखे होंगे, है ना, रात में। तो देखो, आपको ये पिक्चर में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना। दिस ऑल आर द स्टार्स। ये सब क्या है? स्टार्स है। अब थोड़ा देख लेते कि स्टार्स क्या है। तो स्टार्स एक ह्यूज हेवनली बॉडीज है जो गैसेस से बने हैं। किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। कई स्टार्स सन से बहुत छोटे होते हैं, तो कई स्टार्स सन से हजार गुने बड़े होते हैं। और आप क्या स्टार्स कभी गिन सकते हो? नहीं। कभी आपने स्टार्स को गिना है कि आकाश में कितने तारे हैं?
नहीं, आप कभी गिन नहीं सकते हो, मतलब वो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल है। स्टार्स के पास उसकी खुद की लाइट है। वो हमारे अर्थ प्लैनेट से बहुत दूर है, बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और वो बहुत हमें हीट और लाइट देता है। उसकी साइज़ अलग अलग होती है, हर एक स्टार का टेम्परेचर अलग अलग होता है और हर एक स्टार का कलर भी अलग होता है। एक बार हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट फायरी गैसेस। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन, अदर्स आर मोर देन 1,000 times लार्जर। देर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, दे हैव देयर ओन लाइट। एज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, दे सीम ट्विंकलिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली ग्लोइंग लाइक द सन। दे प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, दे वेरी इन साइज, टेम्परेचर एंड कलर। फिर थोड़े हम देख लेते कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? उर्सा मेजर। ये जो है वो कौन सा है? उर्सा मेजर। कौन सा है ये? उर्सा मेजर। फिर ये जो है वो ओरियन है। ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? ओरियन। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? लियो। कौन सा है ये? लियो। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओपन पेज नंबर 15, सॉरी 16। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 16। ओके, राइट योर नेम हियर, राइट योर टुडेज डेट। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ? नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। स्टार्स। Stars are huge heavenly bodies made up of hot fiery gases. Some stars are smaller than the sun. Others are more than 1,000 times larger. There are countless stars in the sky. The sun is the nearest to the earth. All the stars have their own light. As the stars are very far away from the earth, they seem twinkling. They are constantly glowing like the sun. Stars produce enormous amount of heat and light. Stars vary in size, temperature and color of the light they emit. The sun lies a distance of 150 million kilometers from the earth. Now we will read about constellations. Some stars together form various patterns in the sky. Some of these patterns are the Ursa Major, the Great Bear, Orion, Hunter, Scorpius, Scorpion, Leo Lion, etc. This group of stars forming patterns are called constellations. There are about 88 constellations which have been observed in the night sky. So students, we end up here our today's class and our chapter. So hope you all have understood and enjoyed this chapter. We will meet soon. Till that, goodbye and take care. So थोड़े हम देख लेते कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? उर्सा मेजर। ये जो है वो कौन सा है? उर्सा मेजर। कौन सा है ये? उर्सा मेजर। फिर ये जो है वो
ओरियन है, ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? ओरियन। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? लियो। कौन सा है ये? लियो। ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस।